ड्राई टू अंडरस्टेंड रीफेक्टरिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑल दो दिस एग्जाम्पल बहुत छोटी सी एग्ज़म्पल है तो शायद ये बहुत ऐसा ना हो कि हम इसको आपके रियल सिस्टम दायरे से बहुत बड़े बड़े होते हैं बट इट विल डेमोस्ट्रेट सम थिंग कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि रीफेक्टरिंग होती क्या है हम इसके बाद एक स्टेज पर जाके हम एक बड़ी एग्जाम्पल को भी हम Uh, करने की कोशिश करेंगे बट लेट्स विद ये बड़ी एग्जाम्पल रिलेटिवली स्पीकिंग बड़ी एग्जाम्पल लेकिन लेट्स विद अ वेरी सिंपल जो आपको एक कॉन्सेप्ट ये समझाने के लिए ये एग्जाम्पल है तो ये एग्ज़ाम्पल क्या है लेट्स लुक एट दिस पीस ऑफ कोड इसमें आप ये देख सकते हैं कि देर एज सिंपल इफ दन एल्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट और इसमें एक कंडीशन है के, आ, अगर कोई स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे एक स्पेशल डील अवेलेबल है तो उस पे जो प्राइस जो है वो टोटल जो है वो प्राइस का 95 फाइव परसेंट है दैट इज़ फाइव परसेंट डिस्काउंट के साथ वो आपको चीज़ मिल रही है और अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है जो एल्स का पार्ट है तो उसके केस में ये 98 परसेंट पे आपको मिलेगी दैट इज़ आपको दो परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा तो अगर स्पेशल डील है तो पाँच परसेंट मिलेगा नहीं तो आपको दो परसेंट मिलेगा तो ये आ, और बीच में इसके दोनों क्लॉज़ में जरा टू स्टेटमेंट्स एक में वो टोटल कैलकुलेट हो रहा है और दूसरे में एक सेंट का है जो टोटल जो है यू नो इस सेंट सम बाहर देखने में इसमें कुछ नहीं है लेकिन अगर इसको और किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो इफ़ की जो दो क्लॉज़ हैं मेन क्लॉज और एल्स क्लॉज दोनों में कुछ थोड़ा सा कोड रिपीट हो रहा है मतलब सेंड जो है वो दोनों जगह पे है तो ये क्योंकि एक ही लाइन है तो शायद बाहर देखने में इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती लेकिन आप अगर आप इसको देखेंगे आ, ये ये कुछ ज़्यादा बड़ा पीस ऑफ कोड भी हो सकता है तो इसको अगर एल्स इसमें इफ़ स्टेटमेंट से इसको बाहर निकाल दिया जाए तो उसको जो कॉमन पीस है उसको जिस तरह हम मैथमेटिक्स में हम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि वो एक बड़ा फार्मूला है फॉर एग्जांपल ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर इसके जब हम फैक्टर बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ए प्लस बी होल स्केयर या ए स्केर माइनस बी स्केयर के फैक्टर्स बनाते हैं तो हम कहते हैं ए माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी तो ये भी एक तरह का सी फैक्टर है जो वो कामन चीज़ है उसको बाहर निकाल लें कॉमन चीज़ क्या है इन दिस पर्टिकुलर केस सेंड कॉमन चीज़ है तो यहाँ पर हम इसको कॉमन को बाहर निकाल दें तो यू कैन सी द पीस ऑफ कोड बिकम्स दिस अब वंस अगेन ये छोटी सी एग्जांपल है लेकिन इसमें कोई ख़ास आपको शायद नजर ना आए लेकिन ये बहुत सारे केसेस में दिस कैन बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोड जो आप कॉमन उसको बाहर निकाल लेते हैं इसका फ़ायदा क्या है जब आप कॉमन चीज़ को निकाल के जब आपने दो जगह एक चीज़ लिखी हुई है उसको आप एक जगह आप करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि ये जो पीस ऑफ कोड है अब अगर आपको फॉर एग्जांपल सेंट की जगह कुछ और लिखना है यहाँ पर कुछ फॉर्मूला करना है या कुछ और आपने चीज़ यहाँ पर ऐड करनी तो आपको दो जगहों की बजाय आपको एक जगह पे चेंज करनी पड़ेगी अगर सेंट की जगह आपने कुछ और लिखना है या इसमें कुछ और चेंज करनी को पैरामीटर पास करना है वट एवर तो दो जगह चेंज करने की बजाय एक जगह चेंज करनी पड़ेगी तो मल्टीपल जगह पे अगर किसी भी चीज़ को आपको चेंज करना है ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जब एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो आपने फॉर एग्जांपल एक चीज़ दस जगह पे है तो वो दस जगह करने के बजाय आपने नौ जगह कर कर दी और एक जगह छूट गई है वो तो बड़ी कॉमन है आ मैं जब भी कहीं पर जाके किसी का कोड रिव्यू करता हूँ देखता हूँ तो इस तरह के केसेस मुझे हमेशा नज़र आते हैं और वो गलती हो जाती है क्योंकि उस केस में वो चीज़ उसका बिहेवियर दूसरों से डिफरेंट एक तो यह है कि एफ़र्ट आपको दस बार करनी पड़ रही है यहाँ पर एन दिस पर्टिकुलर केस एफ़र्ट आपको दो बार करनी पड़ रही होगी एफर्ट आपको ज़्यादा करनी पड़ती है और उसमें गलती भी हो जाती है जितनी ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी जितना ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा जाहिर है उसमें उतनी ही गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसी को ज़रा हम जरा और फर्दर अगर इसको लेके जाएँ तो अगर हम इसको देखें इस एग्ज़ैम्पल को ये रिफैक्टर फर्स्ट स्टेप करने के बाद तो हम ये देख सकते हैं कि असल में क्या चीज़ है कि दोनों में एक फैक्टर चेंज हो रहा है पहले केस में इट इज नाइन्टी फाइव परसेंट और एल्स पार्ट में दिस इज नाइन्टी एट परसेंट जो प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फार्मूला क्या है टोटल मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर एंड दैट फैक्टर चेंजेस एल्स में नाइन्टी एट परसेंट है और मेन क्लॉज में इट इज नाइन्टी फाइव परसेंट है सो वट वी डू इज हम इस फॉर्मूले को बाहर निकाल लेते हमने जब इस फॉर्मूले को बाहर निकाला तो अब क्या हुआ कि अब हमने कहा कि फैक्टर क्योंकि द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज़ द फैक्टर तो एक जगह हमने कहा इसका फैक्टर 95 परसेंट है एल्स पार्टमेंट इज़ नाइन्टी परसेंट और फिर उस फैक्टर को हमने फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया अब यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर भी बात वही है लेट्स से कि ये एक फार्मूला था जिसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करते हैं प्राइस में आप फॉर एग्जांपल टैक्स भी ऐड कर देते हैं और कुछ हमें I mean, थिंग्स कैन भी यू नो एडेड टू दिस अब आपको फाइनल जहाँ पर टोटल है वहाँ पर आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी वंस अगेन दो की बजाय आपको एक जगह पर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी सो विद दिस हेल्प विद दी हेल्प ऑफ दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल कुछ थोड़ा सा हमने कोशिश की है इस चीज़ को समझने की रि इफेक्टिंग होती क्या है ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है आ, लेकिन इससे कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि आपने जो कोड था एग्जिस्टिंग कोड था उसके बिहेवियर को चेंज किए बग़ैर हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दिया। तो जो इस पीस ऑफ कोड को यूज़ कर रहा है अगर ये किसी फंक्शन का हिस्सा है तो फंक्शन उसी तरीके से कॉल होगा लेकिन फंक्शन का ओवरऑल स्ट्रक्चर बेहतर हो गया